भिंड जिले में हो रही ठगी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में लूट करने वाले अंतर्राज्यीय कंजर ग्रोह का पर्दाफाश किया गया है। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी अपनी गाड़ी में लिफ्ट देकर राहगीरों से ठगी करते थे, जिसकी शिकायत फरियादी राम नरेश तोमर ने वरूही थाने में की, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को लेकर फरियादी ने बताया कि कुछ लोगों ने मुझे अपनी कार में लिफ्ट दी, उन्होंने कुछ दूरी पर चलकर ये कहकर उतार दिया कि गाड़ी का गेट खराब है, थोड़ा सही करवा के आते हैं। जब फरियादी ने अपना सामान चेक किया तो नकदी, एटीएम और पर्स गायब मिला। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से गाड़ी सहित 6,85,000 रूपए की नकदी भी बरामद की गई है। गाड़ी है जो इन्होंने उसको इन्हीं पैसों से खरीदना बताया था, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है और अन्य घटनाएं अभी इनसे पूछताछ जारी है। जहां जहां की घटनाएं बता रहे हैं उसको वेरीफाई करके उसमें भी इनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अभी इनका जानकारी लगी है कि यही लोग थे जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया है। बाकी ग्वालियर में महाराजपुरा थाने में बता रहे हैं इनके द्वारा घटना की गई है, मुरैना में, धौलपुर में।